मार्वल के बड़े बड़े कांड होने शुरू हो गए हैं और इनकी वजह से हमारी बहुत सारी मूवीज कैंसिल होने वाली हैं। क्या पता उनमें एक मूवी आपकी फेवरेट वाली भी हो। पर ऐसा क्यों हो रहा है और वो मूवीज कौन सी हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो पहले क्यों का रीजन जानते हैं। तो मार्वल के जो हेड हैं उनका नाम है केविन फाइगी, जिन्होंने आयरन मैन 1 से लेके आज तक जितनी मूवीज और शोज आए हैं उन सबको संभाला है। बट एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल की हालत थोड़ी वीक लग रही है। उनको कुछ ही मूवीज हिट जा रही हैं, उनके ज़्यादातर डिज्नी प्लस शोज का रिसेप्शन एवरेज या बैड जाता है। इसलिए अब जो केविन फाइगी से भी ऊपर बैठते हैं, मतलब जो डिज्नी के CEO हैं बॉब आइगर, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि अब उनको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए ना कि क्वांटिटी पे। मतलब अब से मूवीज़ और शोज हमें कम देखने को मिलेंगे और जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। इसी वजह से आने वाली मार्वल मूवीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। और इसमें लिस्ट में सबसे पहली मूवी आती है Ant-Man 4। हाँ, Ant-Man 4 आपको नहीं देखने को मिलेगी और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। अगर आप Ant-Man 3 की बॉक्स ऑफिस को देखो तो इसका बजट था $275 million और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाया $476.1 million। आपको देख के लग रहा होगा बजट से तो ज़्यादा ही है तो प्रॉफिट हो गई, पर ये एक्चुअल में लॉस है, क्योंकि अगर आप पुरानी मूवीज़ से कंपेयर करो तो वो प्रॉफिटेबल थी। Ant-Man 1 ने 169.3 के बजट पे 519.3 कमाए थे। कम बजट और ज़्यादा कमाई, यहाँ तक कि Ant-Man 2 का भी यही केस था। 195 का बजट था और बॉक्स ऑफिस था 622। अब थर्ड पार्ट की गिरावट भी बहुत ज़्यादा थी और मार्वल वालों को लॉस भी झेलना पड़ा और इसी हिसाब से Ant-Man 4 प्रॉफिटेबल या गारंटीड हिट नहीं देखी जा रही है। हमारी सेकेंड मूवी की तरफ बढ़ते हैं जो कैंसिल हो चुकी है, वो है कैप्टन मार्वल 3। अब जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि कैप्टन मार्वल 2 कब आई, तो द मार्वल्स तुम लोगों ने देखी थी ना, वही है कैप्टन मार्वल 2। कैप्टन मार्वल 1 ने $1 billion से भी ज़्यादा कमाई थे, पर द मार्वल्स सबसे बड़ा डिजास्टर निकली। इसका बजट था $274.8 million और बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ कमाई $206.1 million। मतलब बजट तक क्रॉस नहीं कर पाई। अब इसका सीक्वल बनाने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। थर्ड नंबर पे हमारी जो मूवी आती है जो कैंसिल हो गई है, Eternals 2। Eternals 1 का बॉक्स ऑफिस भी कुछ खास नहीं रहा। बजट था $236.2 million और बॉक्स ऑफिस पे कमाई $402.1 million और इसका रिसेप्शन भी एवरेज ही था, इसीलिए इसको भी कैंसिल कर दिया जाए। और लास्ट में आती है फोर्थ नंबर पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। अब चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी एवेंजर्स वाली मूवी कैंसिल नहीं हो रही है, पर यहाँ से कैंग डायनेस्टी जो नाम है उसको हटाया जा रहा है और अभी के लिए इसकी अनटाइटल्ड एवेंजर्स है, या सिंपल वर्ड्स में आप इसको एवेंजर्स 5 बोल सकते हो। तो क्या इसमें कैंग अब भी विलन होने वाला है? डेफिनेटली होने वाला है, पर कैंग के साथ मार्वल वाले कोई और विलन को भी साथ में इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। तो यही थी पूरी मार्वल मूवीज की न्यूज़। आप बताइए आपको किस मूवी के कैंसिल होने पर सबसे ज़्यादा खराब लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।